हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुमार फ्रॉम सुतिया। टुडे माय टॉपिक इज माय विलेज। सो लेट स्टार्ट माय टॉपिक। एवरीबॉडी लव्स हिज या हर नेटिव विलेज। आई एम वन ऑफ देम हु लव्स माय विलेज वेरी मच। द नेम ऑफ माय विलेज इज सुतिहार। सुतिहार इज ए वेरी बिग विलेज ऑफ दिस एरिया। द हेडमैन ऑफ माय विलेज that headman name is Shiv Janaki Devi. That his husband name is Upendra Rai. There are 1000 houses in my village, and its population is about 15,000. So I tell it is a very big village. There are 14 wards in my village. All people in these wards, all people lives. There are two highlighted wards in my village. That name are number 12 and number 13, because it is situated at chalk and its population is more than other ward. The condition of electricity is good in my village, because there is a maximum hours available light here. So I can tell the condition of good electricity in my village. In the field of education, Sutihar is only one panchayat of this area. There are two high school and a college and two middle school and many primary government and private school. And there are many highlighted coaching in my village. These names are Idea Coaching, Gandhi Coaching, My Coaching, and the unique coaching center at Khirikia. Many students come far away to study here, because these coaching gives very good results in board exam, like Sonu Kumar topper from my coaching with 428 marks. So many student come study here. There are two bank in my village. Both of them SBI main branch and SBI mini branch. There are two weekly market in my village. That name is Sutihar Chakrabari Market and Rasulpur Market. That is big market, and there are many shops at Sutihar Chowk. Sutihar Chowk is a middle market of this area, and many shop available at Sutihar Chowk, as Sipujan Sa Kirana Store, Biswanath Sa Kirana Store, Nabin Vastralaya, and a small mall in my village. That name is Adhunik Mega Mart. So many people come here for market. That's all, sir. Good performance, very good. I'm very glad to hear your performance. जैसा कि आपने देखा कि कमलेश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी दिया है अपने विलेज पे, लेकिन कमलेश की एक वीकनेस है कि कमलेश काफ़ी ज़्यादा हकला जाता है, स्टैमरिंग थोड़ा हो जाता है। उसके लिए मैं सो सॉरी मैं कहना चाहूँगा।
और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से आपको इस चैनल मिरेकल मनी क्लासेस पे वीडियोस आपको मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगा कि आप इन वीडियोज को देख करके कितनी अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या आपके अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं या आपके अंदर भी वो इच्छा जग रही है अंग्रेजी बोलने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल। अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हो, गाँव में रहते हो, तो गाँव में तो थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि यहाँ का माहौल वैसा कुछ नहीं है, लेकिन शहरों में हम चले जाएँ तो छोटे छोटे बच्चे तक भी इंग्लिश बोलते हैं। तो हम गाँव वाले कोशिश करेंगे कि हम शहर वालों का भी मुकाबला कर सके, अगर मुकाबला ना कर सके तो कम से कम उसके टक्कर का हो सके। कोई ये ना कह सके कि गांव के बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और गांव के बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मेरी कोचिंग में 95% बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन लोगों ने कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये बच्चे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर चुके हैं। और इंशाल्लाह आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये बच्चे बहुत अच्छे स्पीकर बन करके उभरेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं बस साथ रहनी चाहिए। आप लोग इस चैनल मिरेकल मनी क्लासेस पे ऐसे ही बने रहो, रेगुलर वीडियोज़ देखते रहो, आप मुझे कॉमेंट के ज़रिए बताते रहो कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, नाइस डे।